हाल ही में केरला में एक ऐसी घटना घटी जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने एक फल में पटाखे के मसाले को डालकर गर्भवती हथिनी को खिला दिया, जिससे हथिनी की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया और पूरे इंसानियत पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। दोस्तों, इसी बीच एक अच्छी घटना भी घटी। आज मैं उसी सुखद घटना के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल पटना के दानापुर के जानीपुर में रहने वाले अख्तर इमाम ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपने हाथियों के नाम आधा जायदाद कर दिया। उन्हें हाथियों का वाला भी कहा जाता है। उन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा की जायदाद, जिसमें खेत खलिहान, मकान, बैंक बैलेंस सभी हैं, 2 हाथियों मोती और रानी के नाम कर दिए। अख्तर इमाम इरावत संस्था के प्रमुख प्रबंधक भी हैं। उन्होंने बताया कि उनके लिए परिवार हो या समाज, सब कुछ हाथी ही है। उनका पूरा जीवन हाथियों के लिए ही समर्पित है। इमाम के मुताबिक उनका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था, इसीलिए उन्होंने जायदाद से उसको बेदखल कर दिया। आधी संपत्ति पत्नी के नाम और बचे हुए हिस्से को हाथी के नाम कर दिया। उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर हाथियों के नाम दस्तावेज भी बनवाए। इमाम ने बताया कि एक बार उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उस वक्त हाथी ने ही उनकी जान बचाई थी। अख्तर इमाम कहते हैं कि सारी जायदाद हाथियों के नाम कर देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वह संपत्ति एरावत संस्था के नाम हो जाएगी, ताकि इन हाथियों का संरक्षण सही से हो पाए, इन्हें तस्करों से रक्षा की जा सके। दोस्तों, इस मिसाल ने, इस घटना ने हमें बताया है कि सचमुच इंसान और जानवरों के बीच में अभी जो मधुर रिश्ता कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा था, वो बचा हुआ है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।